आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लोगों को प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीती शाम लाइब्रेरी बुक हब सोलन के विद्यार्थियों ने विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया। मीडिया को जानकारी देते हुए नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में बुक हब सोलन के विद्यार्थियों ने शहर के मॉल रोड पर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। प्रियंका चंद्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव शत प्रतिशत मतदान हो और इन चुनावों में वोट परसेंटेज बढ़े, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मतदान किया जाना है तब तक अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इस विधानसभा में शत प्रतिशत मतदान हो, इसके लिए लाइब्रेरी बुक हब सोलन कमेटी के सदस्य द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डीसी मैडम, आज जो है यहाँ पर एक स्किट करवाया गया और जो ये स्किट है ये हमारा जो बुक हब है उनके बच्चों द्वारा ये स्किट करवाया गया, जिसमें ये जागरूक किया गया कि जो आपका जो 12 नवंबर के दिन जिस दिन मतदान होना है उसमें सभी जो है पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। अच्छा यही है कि डेमोक्रेसी का एक बहुत अभिन्न अंग है कि हमने जो है इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपका नेता कैसा हो, वो चुन के कैसे आए, किस तरह का हो, कैसा उसका आचरण है, वो उस पर डिपेंड करते कि आप कितना वोट करते हैं। और तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक डायरेक्शंस है कि आप यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करें, उसमें हमें जिम्मा सौंपा गया एमसी सोलन को, स्वीप के मैं नोडल अधिकारी हूँ, कि आप जो है यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कीजिए। तो उसी कड़ी में जो है दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस जो हम ये कर रहे हैं। ऐसी हम अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जब तक 12 नवंबर तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप जाइए अपने घर से बाहर निकलिए और इस जो वोट करिए।